बहुत बहुत स्वागत है सभी मित्रों का आज रविवार के दिन इस सुबह के सत्संग में। सुबह का सत्संग आवश्यक है क्योंकि मन एकदम अभी सो के उठा है, सब फ्रेश है, पूरी प्रकृति जागृत हुई है, एक रेस्टफुलनेस है प्रकृति के अंदर, आपके भीतर भी एक रेस्टफुलनेस है। और ऐसे समय में सत्संग के कुछ विचार, सत्संग के कुछ भाव अगर हम अपने हृदय में बसा सके तो पूरा दिन उसका एक असर रहता है, उस वाइब्रेशन का, उस उन तरंगों का एक असर रहता है। तो बहुत सुंदर है आप सबसे मिलना इस तरह रविवार की शुरुआत। तो आज शुरू करते हैं, और मैं अक्सर कोशिश करता हूँ बीच में स्क्रीन देखने का, आप लोगों की स्क्रीन खुली रहती है तो अच्छा दिखता है जी। जी तो जी स्वाति, शुरू करते हैं। जी अनिश, अनिश जी, हमारा पहला प्रश्न दिल्ली से है और ये पूछ रहे हैं कि जीवन के कठिन समय में मैं काफी पीड़ा और दुख से गुजरी। ऐसी परिस्थिति में मैंने स्वयं को अकेला पाया, जबकि अपने आसपास के लोगों को मैंने एक दूसरे की मदद करते देखा। मैंने जब भी किसी को दुख में देखा तो मैंने मदद के लिए उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं उनके दुख को गहराई से महसूस कर पाती हूँ, पर जब अपनी बारी आती है तो मैं खुद को अकेले ही अपने दुख में डुबा पाती हूँ। अपने इस हालात को मैं कैसे देखूं? इसके पीछे का छुपा हुआ कोई गहरा अर्थ, कोई जीवन का सूत्र मेरी समझ में आ जाए। और तब क्या करूं जब मैं उस गहरे अर्थ को नहीं देख पाती? तो रविवार की सुबह सुंदर सुबह है, मगर हम प्रश्न दुख से शुरू कर रहे हैं, दुख के प्रश्न से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि सुख और दुख तो जीवन का एक अभिन्न अंग है। हम कभी ऐसी आशा नहीं कर सकते कि सारा समय रोशनी ही रहे, दिन ही रहे, रात तो आएगी ही। तो जीवन में अगर हम ऊंचाई पे जाएंगे तो नीचे तो उतरना ही होगा, नीचे जाएंगे तो फिर अगला पड़ाव ऊपर की तरफ आएगा ही, ये जीवन का एक नियम है। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी रोशनी है, कभी अंधेरा है, कभी सांस अंदर जा रही है, कभी बाहर आ रही है। तो ये जीवन इस डुअलिटी से बना है, पहली बात। इस डुअलिटी को हम इग्नोर ना करें, हाँ, मगर इसमें आध्यात्मिक स्तर पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आज थोड़ा सा उसको देखते हैं गहरे में। आपने पूछा कि अकेला सा लगता है दुख में, ये बड़ा नेचुरल है, क्योंकि दुख में आपका मन, इसको ध्यान से देखिएगा, दुख में मन सिकुड़ जाता है। किसी भी तरह का दुख हो, चाहे वो शरीर का है, मन का है, इमोशंस का है, जैसा भी दुख है, बट किसी भी दुख की अवस्था में हमारा हृदय सिकुड़ जाता है। जैसे ही हृदय सिकुड़ता है, तभी दुख में आदमी हृदय के सिकुड़ने मात्र से हम अपना एक दरवाजा बंद कर लेते हैं, मन अपना एक दरवाजा बंद कर लेता है और अकेलेपन में चला जाता है। ऐसा नहीं कि प्रकृति या आपके आसपास के लोग उस दुख में आपको सपोर्ट नहीं करना चाहते या कोई मदद के लिए नहीं आ रहा, मगर क्योंकि हम अपने दरवाजे बंद कर देते हैं दुख की अवस्था में, कोई अगर मदद करने आ भी रहा होता है, हम उसको स्पेस नहीं देते, हम उसको अंदर ही नहीं आने देते। और बहुत सारे लोग ऐसी अवस्था में अपने अपने ढंग से हमारी मदद कर ही रहे होते हैं, मगर वो मदद हमें दिखती नहीं है क्योंकि मन हमें अकेला कर देता है। कोई लोग आपको अकेला नहीं कर रहे हैं, ऐसा मत सोचना कि दुख में आपके आसपास के प्रियजन आपको अकेला छोड़ रहे हैं, ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि ऐसा नहीं है। ये मन की चाल है, क्योंकि दुख को वो बढ़ाना चाहता है। हमारे यहाँ हम देखते हैं अक्सर किसी भी व्यक्ति में अगर किसी भी तरह का दुख आए, शरीर के तल पे, मन के तल पे, वो दुख होगा 10, बट मन उसको बढ़ा के 50, 60, 70% कर देगा, और ऐसा लगेगा पूरा जीवन दुख में ही बीत रहा है मेरा, क्योंकि मन की ये आदत है।
वो दुख को बढ़ाता है, वो दुख को एक्सपैंड करना चाहता है। ओरिजिनल दुख अगर सुई मात्र भी हो, जिसको हम बोलते हैं ना राई का पहाड़, ओरिजिनल दुख अगर राई मात्र भी हो तो आपकी मन चाले चलता है और उसको एक्सपैंड कर देता है, उसी राई का पहाड़ बना देता है। और ये पहाड़ कैसे बनाता है उस राई का, उसका एक तरीका है मन के पास। वो सबसे पहले आपको अकेला थकेला महसूस कराता है, आप अकेले होते नहीं हो। वो आपके सारे दरवाजे बंद कर देता है, आपको विश्वास दिला देता है कि इस दुख में तो मैं अकेला ही हूं और ये तो मुझे ही भोगना है। देखो कोई मेरी मदद के लिए नहीं आ रहा, कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। मन ये नहीं दिखाता है तुम्हें कि तुमने ही दरवाजे बंद कर दिए, तुम ही अपने कमरे के किसी कोने में जाके बैठ गए हो, तुम खुल नहीं रहे हो, क्योंकि हृदय सिकुड़ गया है उस अवस्था में, क्योंकि हृदय सिकुड़ गया उस अवस्था में। तो ये पहली बात कि हम ही स्वयं को काट देते हैं उस समय लोगों से, अपने प्रियजनों से, हमारा मन ही हमें काट देता है। दूसरी बात, ये प्रकृति, आसपास के सभी प्रियजन, कोई नहीं चाहता कि तुम दुख में रहो, इसीलिए वो अपने अपने ढंग से आपकी मदद करने आते हैं। मगर मन फिर एक और चाल चलता है, उसने मदद की एक डेफिनेशन बनाई है, कल्पना बनाई है। वो चाहता है कि उसको मदद उसी रूप में मिले जिस रूप में वह चाहता है। समझ रहे हैं आप इस बात को? उस दुख में वह चाहता है कि मुझे इसी ढंग से मदद मिले। उसने एक अपना सपना, एक कल्पना का निर्माण किया है और वह चाह रहा है कि इस समय मुझे ऐसी ही मदद चाहिए। किसी भी और तरह की मदद अगर उसको आ रही हो तो उसको नकारेगा या उसको दिखेगी ही नहीं। तो हम अपनी कल्पना के अनुसार मदद ढूंढ रहे हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार नहीं, अपनी कल्पना के अनुसार। बड़ा भेद है इन दोनों में। आपकी आवश्यकता शायद दवा लेने की है, बट कल्पना कर रही है कि कोई आके मेरी टांगे दबा दे, फॉर एन एग्जाम्पल। आवश्यकता और कल्पना में भेद है। तो हम कल्पना का जाल ढूंढ लेते हैं। कि दूसरी बात, तुमने कहा कि किसी और को दुख होता है तो तुम जाके उसकी मदद करते हो, क्योंकि तुम उनका दुख अनुभव करते हो। बहुत सुंदर, परमात्मा का आशीर्वाद है आपके पास, आपके हृदय में करुणा का वास है, करुणा का वास है। इस करुणा के वास की वजह से ही आप लोगों का कष्ट दुख महसूस कर पाते हो, अपनी तरफ से जो बन पड़ता है वो उनकी मदद करते हो। बहुत सुंदर है, मगर इसमें एक गड़बड़ कर रहे हैं। इसके साथ हमने एक एक्सपेक्टेशन जोड़ दी है, तभी तो हम बोल रहे हैं कि मैं तो सबकी मदद करती हूं या करता हूं, बट जब मेरी बारी आती है तो कोई मेरी मदद नहीं करता। यानी जिस करुणा भाव से आपने किसी की मदद की, अब आप उसका रिजल्ट चाह रही हैं, अब आप चाहते हैं कि उसका आपको फल मिले। तो ये तो हमने पूरी कृष्ण की गीता को एकदम उल्टा कर दिया। कृष्ण तो गीता में कह रहे हैं कि आप अपना कर्म करो, अपने कर्तव्य के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार क्या फल आए उसको छोड़ देते हैं। और ऐसा नहीं कि फल नहीं आता, आपकी करुणा से निकले हुए आपके कर्म का फल तो आएगा ही, स्वाभाविक है। पूरा पूरी सृष्टि इस नियम पे चल रही है, जिसको हम कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, कर्म का क्षेत्र है ये पूरा। मगर आपने करुणावश जो कर्म किया, जो एक्शन किया, किसी की मदद की, या आपने एक बीज डाला है, अब ये बीज कब अंकुरित होगा कौन जाने। इसे 1 साल भी लग सकता है अंकुरित होने में, इसे 10 साल भी लग सकते हैं अंकुरित होने में, इसे 1 जन्म भी लग सकता है अंकुरित होने में, मगर अंकुरित तो होगा क्योंकि बीज डल गया माटी के अंदर। आपका मन कह रहा है कि ये बीज तभी अंकुरित हो जब मुझे इसकी जरूरत पड़े। चाल समझ रहे हैं आप मन की, कि जब मुझे कष्ट हो तो यही बीज अंकुरित हो और सामने वाला आके भी मेरी मदद करे। ये तो ट्रांजेक्शन हो गया, एक हाथ मैंने तुम्हारी मदद की, एक हाथ तुम मेरी मदद करो, तो करुणा तो नहीं हुई फिर। ये तो इन्वेस्ट कर रहे हो आप, इसका मतलब बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हो कि मैं सबकी मदद करूं और जब मेरा वक्त आए तो सब मेरी मदद करें, फिर तो बैंक ट्रांजेक्शन हो गई। इसमें अध्यात्म का क्या नियम है? जीवन इस ट्रांजेक्शन के अनुसार नहीं चलता, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन जो है, ये लेन देन का विचार है, ये मन का एक बड़ा
एक जाल है ये मन, क्योंकि आपका मन नहीं जानता प्रकृति के नियम को। और प्रकृति का नियम ये है कि करुणा के बीज से उत्पन्न जो आपने कर्म किया, किसी की मदद की, ये कभी ना कभी जाके फलित होगी। ये बीज डल चुका है, कब फलित होगी कोई नहीं जानता, तो आप बीज डालते जाओ और वो फलित होगा ही। हर बीज फलित होता है जब उसको सही मट्टी मिल जाती है, तो फलित तो होगा। तो थोड़ी अपनी अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। जब भी आप परोपकार, किसी की मदद का काम कर रहे हो, उसके पीछे कोई आपकी एक्सपेक्टेशन ना, तभी वो निष्काम कर्म बनेगा। अगली बात, इसमें आपने पूछा इसमें मुझे क्या समझने की जरूरत है। ऑफ कोर्स ये सब समझने की जरूरत है, मगर एक चीज और समझने की जरूरत है। क्या हम बोलते हैं दुख दारू सुख रोग पाया, मीनिंग कि दुख दवा का काम करती है, आपको जगाने का काम करता है, और सुख रोग पाया यानी सुख आपको सुलाने का काम करता है। ये हम आध्यात्मिक दृष्टि से बोल रहे हैं, चेतना की दृष्टि से बोल रहे हैं। सभी दुख आपको चेतना, आपकी चेतना को जगाने का काम करते हैं। हर दुख का एक रीजन है, देखना कभी अपने भीतर। दुख के क्षणों में ही जीवन की फिलॉसफी समझ में आने लगती है, दुख के क्षणों में ही परमात्मा की, गुरु की याद आने लगती है, दुख के क्षणों क्षण में ही आपको दिखता है कि आपकी पहुंच कम है। कोई प्रतिज्ञा, कोई तपस्या, कोई प्रेयर करनी होगी आपको। अगर ये दुख नहीं आता, जिस भी दुख वश आपने ये प्रश्न पूछा है, अगर ये दुख नहीं आता तो आप ये प्रश्न नहीं पूछते। ये प्रश्न नहीं पूछते तो इसका जो जो एक आपको अलग हम डायमेंशन इस समय हम शेयर कर रहे हैं, एक अलग स्तर दुख का हम जो आज शेयर कर रहे हैं, ये हमें जानने को नहीं मिलता। और आपके माध्यम से कितने लोगों को ये जानने को मिल गया, आपको तो मिल ही रहा है जानने को। तो अगर ये दुख नहीं आता तो ये ज्ञान मेरे मुख से नहीं निकलता, ये अनुभव मेरे मुख से नहीं निकलता। आपका दुख आया, उस दुख ने ये प्रश्न पूछा, और ये अनुभव, ये ज्ञान मेरे मुख से आप तक पहुंच रहा है, और ये वृद्धि करेगा आपके जीवन में, आपके अनुभव में, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में, ये वृद्धि करेगा, ये बढ़ाएगा उसको। तो दुख का सुखद परिणाम भी तो हो रहा है, क्योंकि आपकी चेतना जाग रही है उस दुख में। बहुत सारे जीवन के मूल्य समझ में आ रहे हैं, और दुख में एक चीज और समझ में आती है, इस जीवन की व्यर्थता भी समझ में आती है दुख में। जीवन व्यर्थ नहीं है, बट जीवन जिस तरह से आप जी रहे हो उसकी व्यर्थता समझ में आती है। अपने आप में जीवन बहुत सुंदर है, बट जिस ढंग से हम जीवन को जी रहे हैं उसकी व्यर्थता समझ में आती है। किस ढंग से जीवन को जी रहे हैं, चीजों को पकड़ के, अपनी इच्छाओं के गुलाम बन के, अपने डिजायर्स की गुलाम बन के, इन एक्सपेक्टेशंस के लूप में फंस के, चीजों का संग्रह करके, हर चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज को, चाहे वो रिश्ता हो, कोई व्यक्ति हो, या यही भाव हो कि मैंने तुम्हारी मदद की तो तुम भी तुम्हारी मदद करो, हम इसी को पकड़ लिए हैं। और दुख तो शायद जा चुका होगा, अब ये विचार, अब ये भाव कि मेरी तो किसी ने मदद ही नहीं की, ये दुख का कारण बन चुका है। देख पा रहे हैं आप उसको, ओरिजिनल जो दुख था शायद वो जा चुका है, मगर अब इस नए दुख ने पकड़ लिया कि उस समय, उस आवश्यकता के समय मेरी मदद नहीं की किसी ने, ये नया दुख मन ने बना लिया है। देखो मन की चाल को, वो हवा में से नए नए दुख बना के आपके हृदय में डाल देता है। तो हमने पूरा जीवन अपना इस तरह से जीना शुरू कर दिया है, तो ये पूरा जीवन दुखमयी सा बन गया है। जो जीवन हमें मिला था सुखमयी जीने के लिए, आनंद में जीने के लिए, अधिकार है हम सबका आनंद में जीना, बट हमारा ही मन उस आनंद से हमें एक नहीं होने दे रहा है। इस चाल को समझिए, इस चाल को समझिए, हाँ, और जितना हो सके वो बीज लगाते जाइए, उस परोपकार के, उस मदद के जितने बीज हो सके उन बीजों को लगाए, कभी ना कभी सही समय पे वो बीज फलित होंगे।
और इस बात को शुरू करने से पहले ही मैंने बोला था कि जीवन दो भाग से बना है, एक सुख का भाग है, एक दुख का भाग। ये दोनों आएंगे जीवन में अपने अपने समय, आपके पूर्व कर्मों के अनुसार ये दोनों आएंगे अपने समय। भागना मत, ये दोनों कुछ सिखाने कुछ जगाने आ रहे हैं। हर एक अपॉर्चुनिटी को, हर एक इवेंट को, हर एक क्षण को यूज कर लिए, इस्तेमाल कर लीजिए अपनी चेतना को जगाने के लिए, क्योंकि जीवन में एक ही सबसे मुख्य उद्देश्य है हम सबका, चेतना की जागरूकता। एक बार ये चेतना जाग गई अगर हमारी, तो सुख तो आएगा, दुख तो आएगा, बट आप उससे भिन्न बने रहोगे। एक डिस्टेंस होगा आप में और दुख या सुख में, आप एक दृष्टा की तरह उन सब चीजों को देख पाओगे, अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे उन चीजों को, किसी भी सुख को, किसी भी दुख को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। मगर इसके लिए चेतना को जागना होगा, और चेतना को जागने के लिए हर परिस्थिति का सदुपयोग करना होगा। आपने बहुत अच्छा सदुपयोग किया अपनी परिस्थिति का, ये प्रश्न पूछ के, ये सदुपयोग है। आपने दुख को वहीं छोड़ नहीं दिया, आपने चाहा, आपने जानने की कोशिश की कि इसके भीतर क्या है, मैं क्या मिस कर रहा हूं, क्या मुझे यहाँ कोई राज छुपा है जो मुझे पकड़ने की जरूरत है, ये राज है। तो दुख छोटा सा चला जाता है, बट उसके जाने के बाद भी मन मन घड़ंत दुखों का निर्माण कर लेता है, तुमने मुझे ये नहीं दिया, तुमने मुझे वो नहीं दिया करके, और ये पूरा सिलसिला जीवन भर चलता है। इसको देखो, मन की चाल को देखो, स्वीकार करो हर दुख और सुख की परिस्थिति को, और जो मैंने लास्ट में बोला, इन सब का एक ही उद्देश्य है, चेतना की जागरूकता, किसी तरह से चेतना जाग जाए। तो परमात्मा सुखों के माध्यम से, दुखों के माध्यम से आपके दरवाजे पे आके दस्तक दे रहा है, सुबह शाम दोपहर हर समय दस्तक दे रहा है, किसी तरह तो मैं अपनी चेतना को जगा पाऊं, यही इसका उद्देश्य है। इसे याद रखिएगा, इसे मन में बसाइए, हो सके तो दोबारा सुनिए, एक एक शब्द को अपने भीतर प्रवेश कर जाने दीजिए, तो जीवन बहुत आनंदमय हो जाएगा, और ये आनंद सभी सुखों और दुखों के पार की एक अवस्था है। वहां जाना है, वहां तक जाना है हमें, कि पूरा जीवन आनंदमय हो जाए। धन्यवाद स्वाति जी। अनिश जी, अगला, हमारा अगला प्रश्न है, इन्होंने अपना नाम एनोनिमस रखा है और ये पूछ रहे हैं, नमस्कार मनीष जी, आपकी लेट द मट सेटल पुस्तक पढ़ी, मैं अपने मन को सेटल नहीं कर पाता, रोज सुबह उठते ही तरह तरह के विचार आने शुरू हो जाते हैं, किसी तरह ध्यान मॉर्निंग वॉक करके उन्हें शांत करने की कोशिश करता हूँ, पर ये विचार दोबारा से जब मैं काम पर होता हूँ या किसी और समय आकर मन को भारी करते हैं, पुराने पैटर्न्स में अटका हुआ सा लगता है, इन पुरानी कंडीशनिंग से मुक्त कैसे हूं? ये जो किताब लिखी हमने, लेट द मट सेटल, आपने पढ़ी, इसका पहला चैप्टर जो शुरू होता है, उस पहले चैप्टर में ही ये बात लिखी गई है कि रूट कॉज क्या है चीजों का, हमारे सभी परिस्थितियों का रीजन क्या है, और डिजायर पे आके हमने वो बात, डिजायर से हमने वो बात शुरू की। बहरहाल आज इसको थोड़ा और अलग ढंग से देखते हैं। पुराने पैटर्न, पुराने विचार तंग करते हैं, आप चले जाते हैं सुबह ध्यान पे, वॉक पे, कुछ समय ठीक लगता है, फिर चीजें वापस आ जाती हैं। मजे की बात है, कोई व्यक्ति शरीर को सत्य मान रहा है, कोई व्यक्ति विचारों को सत्य मान रहा है। इन विचारों को हम सत्य मान रहे हैं, बट हम ये नहीं देख पा रहे कि ये सतत बदलते जा रहे हैं, ये एक लूप की तरह चल रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। जो भी चीज लूप की तरह चल रही है और बदलती जा रही है, वो सत्य नहीं होती है, वो सत्य नहीं होती है। पुराना जो जा चुका है,
आपने बोला पुरानी कंडीशनिंग, पुराने विचार बार बार आके पकड़ लेते हैं, हावी हो जाते हैं, पुराना तो जा चुका है। तो क्या उन विचारों ने आपको पकड़ा है? क्या विचार में इतनी शक्ति है कि वो आपको पकड़ ले? या आपके भीतर चेतना जो सर्वशक्तिमान है वही विचारों को पकड़े हुए है, हर विचार को? कोई पुराना आपके जीवन में कोई घटना घटी होगी, उसके कुछ विचार, उसके कुछ भाव, जिसको आपने बोला ओल्ड कंडीशनिंग, ओल्ड कंडीशनिंग यानी कुछ भूतकाल में हुआ था जिससे एक पैटर्न बना, अब वो समय जा चुका है, वो परिस्थिति जा चुकी है, मगर आपके मन ने उस पैटर्न को पकड़ लिया है। आप समझ रहे हैं बात को? पैटर्न ने नहीं पकड़ा है आपको, ये हमें गलत दिखता है कि मैं विवश हो गया हूं इस पैटर्न के चलते, इन ओल्ड हैबिट्स के चलते। हैबिट्स आपको पकड़ थोड़ी सकती हैं, हैबिट किसी भी आदत में इतना तो बल नहीं कि वो आपको पकड़ ले, आपकी चेतना को कंट्रोल कर ले, किसी भी आदत में इतना बल नहीं है, क्योंकि बल तो सब आप ही के पास है। आप ही ने तो उन पैटर्न्स और हैबिट को पकड़ा हुआ है, आप ही ने तो उन पुरानी मेमोरीज को, उन विचारों को पकड़ के रखा हुआ, उनको जाने नहीं दे रहे हैं। वो दृश्य, वो विचार बार बार घूम घूम के आप इनवाइट करके ला रहे हो उनको अपने जीवन। इस लूप को समझिए, इसको देखने की कोशिश कीजिए, कुछ आपको बाहर से नहीं पकड़ता। हमारे ही मन की आदत है, पहले भी बोला मैंने, वो चीजों को पकड़ना चाहता है, वो हर चीज को ग्रैब करना चाहता है, और कुछ नहीं मिलता तो हम अपने पुरानी आदतों को जो हमें तंग कर भी रही है, दुख दे रही है, हम उनको भी पकड़ लेते हैं। तो ये पकड़ने इस, तो इसके रूट में क्या है? इसके रूट में है मन की एक चाल या मन का एक तरीका जो हर चीज को पकड़ना चाहता है। तुम आज मुट्ठी खोल दो, तुम आज अपने मन को ट्रेन करना शुरू कर दो इस पकड़ से मुक्त होने के लिए, तो देखोगे हर चीज से तुम्हारी पकड़ छूट जाएगी, इन पुराने पैटर्न्स हैबिट से भी तुम्हारी पकड़ छूटने लगेगी। कैसे करें इसको, इसके करने का तरीका क्या है? एक पहली चीज देखते हैं, कंडीशनिंग या ओल्ड पैटर्न्स में जीना का क्या मतलब है? इसका दूसरा मतलब यह है कि मैं बहुत अज्ञानतावश, अनकॉन्शियसली मैं जी रहा हूं, जो पैटर्न बन गया, जो आदत बन गई, मैं उसके अधीन अनकॉन्शियसली जी रहा हूं, ये पैटर्न अब मुझे चला रहे हैं, मैं इनका गुलाम बन गया, यानी अनकॉन्शियसली चेतना को सुला के जी रहा हूं। तो क्या करना होगा? चेतना को थोड़ा जगाने का प्रयास करते हैं। कैसे जगाया जाए चेतना को? छोटी छोटी चीजों में चेतना को जगाने का यह अर्थ हुआ कि मैं कोई भी एक्शन, चलो शरीर से ही शुरू करते हैं, यहीं से अपने पैटर्न्स को तोड़ने का कोशिश शुरू करते हैं। मैं अपने शरीर को यूज करके, अपने मन को यूज करके छोटे छोटे पैटर्न्स को तोड़ने लगता हूं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका पैटर्न होगा कि आप सुबह लेट्स से 10 बजे चाय पीते हैं, रोज 10 बजे सुबह चाय पीते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, एक पैटर्न बन चुका है। चलो आज इसको धीरे से तोड़ते हैं, आज इस 10 बजे की बजाय 11 बजे चाय पिए, आपने उसमें थोड़ा संशोधन कर दिया, आपने वो जो एक अनकॉन्शियस बिहेवियर और एक्शन हो रहा था आदत के वश, आपने उसमें थोड़ी चेतना डाल दी, एक छोटा सा उसमें संशोधन कर दिया। इसी तरह जीवन की हर चीज से हम खेलने लग जाते हैं। लोगों को फोन की आदत हो चुकी है, जब कोई घंटी नहीं भी बजती फोन को उठाते हैं, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, कुछ आया क्या, कोई मैसेज आया क्या, ये एक अनकॉन्शियस पैटर्न बन गया उनके भीतर। कैसे तोड़े? थोड़ा कॉन्शियसली फोन को इस्तेमाल करते हैं, यानी एकदम मन के भीतर अनकॉन्शियस विचार आया, ओ फोन की तरफ हाथ अनजाने में बढ़ गया, अनजाने में फोन की तरफ हाथ बढ़ गया, उसी समय स्वयं को याद दिला दे, अभी नहीं, कोई इसमें अभी घंटी नहीं बची, कोई आवश्यकता नहीं, थोड़ी देर बात करेंगे। तो आपने फिर से संशोधन कर दिया अपने उस हैबिचुअल लूप में। ये जो एक लूप बना है, आप उसको कहीं से तोड़ने की कोशिश करते हो इस लूप को। पूरा दिन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, अपने पैटर्न्स को देखने की, पहले देखने की, फिर उसमें कॉन्शियसली यानी चेतना को जागृत करके उस पैटर्न को संशोधित करने की, चेंज करने की,
और फाइनली उसको वीक करके उसको तोड़ देने की, तो आप मुक्त हो गए पैटर्न से। अब ये विद्या आप किसी चीज पे भी लगा सकते हो, किसी भी तरह के पैटर्न पे लगा सकते हो। आपको लगता है कि सिर्फ रोज सुबह ध्यान करना, या आपने कहा कि आप वॉक पे जाते हैं, बड़ा ध्यान का समय होता है, उस समय अच्छा लगता है, बट ये काम तो आपको 24 घंटे करना होगा। क्योंकि ये क्या हम सिर्फ उसी समय जागृत होके जीना चाहते हैं जिस समय हम ध्यान कर रहे हैं? क्या मेरी चेतना सभी सिर्फ उसी समय जागृत रहे और बाकी सारा दिन मैं अचेतन में जीऊं, सोए सोए जीऊं? तो ये कैसा ध्यान हुआ? और ये गलती हम सब कर रहे हैं। हम सुबह आधा घंटा एक घंटा ध्यान करने की कोशिश करते हैं और बाकी का पूरा दिन अचेतनीय अवस्था में जीते हैं, सोए सोए। सब काम ऑटोमेटिक, मैकेनिक, मशीन की तरह चलता है हमारा। हमारे शब्द मशीन की तरह निकलते हैं, हमारे हाथ मशीन की तरह चलते हैं, हमारे विचार भी मशीन की तरह चलने लग गए। तो ये जो ध्यान है, ये जो, और ध्यान का मतलब क्या है? सिर्फ आपको थोड़ा सा आनंद दे देना उस क्षण के लिए? नहीं, ध्यान का वो मतलब नहीं है, वो तो बाय प्रोडक्ट है, वो ध्यान का एक फल है, वो मिलता ही है। बट ध्यान का उद्देश्य एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में ध्यान का उद्देश्य है कि मैं जीवन चेतना को जागरूक करके जी, चेतना को जागरूक करते ही मैं अपने शरीर के प्रति जागरूक हो जाता हूं, मैं अपने मन के प्रति जागरूक हो जाता हूं कि ये क्या सोच रहा है, मैं अपने विचारों के प्रति जागरूक हो जाता हूं, और हर वह चीज जो मुझे नहीं चाहिए, मेरे भोजन में जो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं शरीर के प्रति जागरूक हो चुका हूं, मेरे विचारों में जो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं मन के प्रति जागरूक हो चुका हूं, मैं उस सब को धीरे धीरे छोड़ने लगता हूं। तो ध्यान का उद्देश्य पूरे जीवन में एक जागृत ऊर्जा का प्रवाह कर देना, एक भी क्षण यंत्रवत यानी सोए सोए ना भी, एक भी क्षण पूरा उत्साह में रहे मेरा जीवन, क्योंकि जागृत में ही तो उत्साह आएगा, सोए सोए तो जीवन में कोई उत्साह नहीं आएगा। तो ये ध्यान का उद्देश्य है, छोटे से शुरू करो। हर सुबह नई है, हर दिन नया है, उसको नए की तरह जियो। बोलना शुरू करो। मैं और एक दो आपको इसके छोटे छोटे टिप्स दे देता हूं। रोज शाम को जब आप सोने जाते हो रात को, एक कोई डायरी ले लेना और उसमें लिखना आज क्या क्या सुंदर हुआ है आपके साथ। मन का एक मैकेनिक्स है, वो रिपीटेटिव है। अगर आप उसको पॉजिटिव इन्फोर्स करोगे तो वो पॉजिटिव रेपिटेशंस में चलने लगेगा, और अगर पॉजिटिव रीइन्फोर्स नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव रेपिटेशंस में चलता है। ये जो पुरानी आदतें और कंडीशनिंग है, ये नेगेटिव रेपिटेशंस है, तो उसको पॉजिटिव रेपिटेशन दे दो। रोज शाम को सोने से पहले कोई 3 बातें ऐसी लिखो जो आज आपके दिन में बहुत सुखद सुंदर हुई है। इसी तरह रोज सुबह उठ के, जैसे आज की सुबह हुई है, सुंदर सुबह है, अपने आप को कोई 2-3 ऐसी चीजें याद दिला दो अपने जीवन की जो बहुत सुंदर है, जो गिफ्ट मिले हैं परमात्मा से आपको। वो आपके प्रियजन हो सकते हैं, आपका शरीर हो सकता है, गिफ्ट है ये सांस चल रही है, ये आशीर्वाद है इस सृष्टि का हमें। तो हम अपने इन आशीर्वादों के प्रति रोज सुबह उठ के थोड़ा धन्यवाद में आ जाएं कि वाह प्रभु, आज फिर एक नई सुंदर सुबह, आज फिर सेहत शरीर सही है, आज फिर सांस चल रही है, आंखें देख पा रही हैं, कितना सुंदर दृश्य है मेरे आसपास, कितना प्रभु का आशीर्वाद है, देख पा रहा हूं, सुन पा रहा हूं, बोल पा रहा हूं, महसूस कर पा रहा हूं। इसके प्रति धन्यवाद का भाव आ जाए रोज सुबह, और फिर सारा दिन कहीं 2-3 बार ये धन्यवाद के भाव में मैं दोबारा उतर जाऊं, फिर से अपने बिंदु पे वापिस आऊं,
ऑफिस में काम चल रहा है, व्यापार चल रहा है, दुकान चल रही है, एक मिनट आंख बंद करूं, उस विचारों के जाल से अपने आप को मुक्त करूं, सिर्फ एक मिनट, और अपने बिंदु पे आ जाऊं, एक गहरी सांस लेके फिर से स्वयं को याद दिलाऊं, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, याद दिलाऊं इस जगत ने, इस प्रकृति ने, इस परमात्मा ने कितना कुछ दे दिया, बिना मांगे इतना कुछ दे दिया। भोजन खाता हूं, बिना कुछ किए पच जाता है शरीर में, खून मांस मज्जा बन जाता है बिना मेरे कुछ किए, आशीर्वाद है परमात्मा का। तो रोज दिन के कुछ क्षण इस भाव में वापस आ जाओ, आप देखोगे इस भाव में वापस आते ही चेतना धीरे धीरे जागृत होने लगेगा। जितना चेतना जागृत होगी उतने ओल्ड कंडीशंस और पैटर्न्स टूटते जाएंगे, जितना ये बढ़ेगा उतना वो घटेगा। इसको बढ़ाओ, उसको घटाने की कोशिश मत करो, वो अंधकार है, तुम उससे डर, उससे लड़ नहीं सकते डायरेक्टली, उसको छोड़ दो। हाँ ओल्ड पैटर्न्स कंडीशनिंग है, छोड़ देते हैं अभी उसको, चेतना को बढ़ाने की तरफ अपना सारा सारा ऊर्जा, सारा समय इस चेतना के जागृत होने में, इस चेतना के विस्तार में लगाते हैं, स्वयं को याद दिलाने में कि जीवन अद्भुत है, अवसर है जाग जाने का, आनंद में लीन हो जाने का। और तीसरा, थोड़ा प्रकृति से और जुड़, ये जो प्रकृति है, ये पेड़ पौधे, ये माटी, ये आकाश, ये सूर्य, ये हवा, ये पानी, ये सब बहुत चेतन है, दे आर वेरी कॉन्शियस, इनके भीतर चेतना बहुत प्रबल है। तुम जितना इनके साथ संपर्क में रहोगे, इस प्रकृति के साथ, उतना तुम्हारी चेतना को जागने में मदद मिलेगी, तुम्हारी चेतना के विस्तार में मदद मिलेगी। तो प्रकृति से जुड़ो, इसी वजह से देखोगे कि पुराने सारे आश्रम, सभी गुरुकुल, सभी मंदिर, सभी ध्यान के स्थल हमेशा प्रकृति के आसपास थे या प्रकृति के बीच में थे, जंगलों में, नदियों के पास, पहाड़ों पे, सागरों के पास। क्यों था ऐसा? क्योंकि इन सभी तत्वों में चेतना बड़ी प्रबल है, और जब उस तत्व के साथ आप रहते हो उसका असर आने लगता है आपके ऊपर, आपकी चेतना को जागरूक करने में उसकी मदद मिलती है। तो जुड़ो इस प्रकृति से, जितना हो सके भर सक जुड़ो। शहर में रहते हो, बिल्डिंग में रहते हो, प्रकृति नहीं है तो आकाश तो है, तुम्हारी खिड़की से आकाश के दर्शन तो कर सकते हो। हाँ बाहर बहुत गर्मी है, मगर 2 मिनट के लिए बाहर जाके सूर्य के दर्शन तो कर सकते हो, उस प्रकृति में सांस तो ले सकते हो। इसको करना शुरू करो और अपनी एक दिनचर्या साधो। जब जब तुम्हारी दिनचर्या नहीं सधी होगी, तब तब तुम पाओगे कि कंडीशंस और पैटर्न ज्यादा तंग करेंगे, उलझोगे ज्यादा। तब तक एक नई दिनचर्या का निर्माण करो, एक ऐसी दिनचर्या जिसका आधार ही चेतना है, जिसका आधार ही आनंदमय हो जाना है। एक ऐसी दिनचर्या का निर्माण करो, जितना भी समय जिन जिन चीजों को डिवोट करना है करो, बट एक एक नई दिनचर्या का निर्माण, प्रण ले लेना कि एक नए जीवन की शुरुआत करता हूं आज से, और तुम पाओगे कि भीतर की जो मट्टी है ना, ये सेटल होने लग जाएगी। लेट द मड सेटल, ये मिट्टी जो बहुत बहते हुए पानी में उथल पुथल हो गई है, इसको थोड़ा छोड़ देंगे तो ये सेटल होने लगेगा। तो पैटर्न्स कंडीशनिंग पे ज्यादा ऊर्जा मत लगाओ, चेतना के विस्तार पे ज्यादा ऊर्जा लगाओ। आशा करता हूं कि तुम इन बातों को जीवन में उतारोगे और पाओगे कि एक नया कुछ होने लगा, एक नई ऊर्जा की लहर दौड़ने लगेगी तुम्हारे भीतर। सुनिए इसको, अपने भीतर उतारिए, फिर इसका मजा देखिए। धन्यवाद। जी स्वाति। धन्यवाद अनीश जी। अगर आप अनुमति दें तो क्या हम लाइव क्वेश्चन ले सकते हैं? हाँ अब एक लाइव क्वेश्चन लेते हैं, किसी मित्र ने पूछा है तो। जी जी जी
मनोज कुमार जी जो लाइव जुड़े हैं हमारे साथ, उन्होंने हमसे ये प्रश्न पूछा है। ये पूछ रहे हैं, जब तक सत्संग में रहते हैं रहता हूं मैं, ठीक रहता हूँ, उसके कुछ ही देर बाद फिर वही दुनियादारी में डूब जाते हैं, और तब तक कि जब तक दूसरा सत्संग स्टार्ट ना हो जाए, ऐसा क्यों? बहुत सुंदर मनोज जी, ये अच्छा कि आपने ये प्रश्न पूछा, क्योंकि ये प्रश्न या ये अवस्था बहुत साधक मित्रों की होती है। तो ऐसा क्यों है, क्यों हमारा पूरा जीवन सत्संग नहीं है, ऐसा क्यों है? इसके कुछ रीजन है मनोज जी। रीजन ये है कि हमने दुनियादारी के जीवन को और आध्यात्मिक जीवन को दो हिस्सों में बांट रखा है। तो अभी जो चल रहा है आपका जीवन, इस क्षण, इस मोमेंट पे, ये आध्यात्म का जीवन जो आपने उसका एक 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 कंपार्टमेंट बनाया हुआ है, और इसके बाद घर परिवार काम धंधे की रिक्वायरमेंट्स आएंगी, आप इस कंपार्टमेंट को छोड़ के उस कंपार्टमेंट में प्रवेश करने लगोगे, और ऐसा लगेगा ये सब तो छूट गया, इतना आनंद जो आप बरस रहा था ये छूट गया, उलझना पड़ रहा है फिर से दुनियादारी में। ये प्रश्न सिर्फ आपका नहीं है मनोज जी, ये अर्जुन का भी प्रश्न था श्री कृष्ण को, ये सदियों से चला आ रहा है प्रश्न। तो क्या कहा था कृष्ण ने अर्जुन को? कृष्ण ने बड़ा सुंदर बोला उस समय अर्जुन को। तो जो सांख्य योग की हम बात करते हैं, उसमें बोलते हैं कि ये डिविजन्स तो रहेंगे जीवन में, क्योंकि बाहर के जगत में आपको कार्य करना पड़ेगा, और भीतर का जगत, आध्यात्म का जगत हमेशा पुकारता रहेगा। तो एक कदम बाहर चलेगा, एक कदम भीतर चलेगा, और ये द्वंद्व बना रहेगा, और आनंद सभी द्वंद्वों के पार है। जिस आनंद की हम खोज कर रहे हैं, जो आनंद इस समय सत्संग में आप पे बरस रहा है, ये सभी द्वंद्वों के पार है। इस समय आपको आनंद सिर्फ इस वजह से आ रहा है, इस सत्संग में जो आपको आनंद आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है कि इस क्षण में, एट दिस मोमेंट, आपके सभी द्वंद्व खत्म हुए हुए हैं। इस मोमेंट में, अभी वो पैदा हो जाएंगे बाद में फिर से, इस क्षण में कोई द्वंद नहीं, संसार और अध्यात्म मिला हुआ है। इस समय आराम से आप बैठे हो, आपने 1 घंटा दिया हुआ है अपने आप को, आप पूरा डूबे हुए हो उसके अंदर। तो ये द्वंद्वहीन अवस्था है, तो आनंद इसलिए बरस रहा है। तो फॉर्मूला दे दिया मैंने आपको कि आनंद द्वंद्व के पार ही घट सकता है। ठीक, अब संसार का एक डिब्बा, आध्यात्म का एक डिब्बा, अब क्या किया जाए? ये जो आध्यात्म का डिब्बा है ना, इसमें थोड़ा छेद कर देते हैं, इसकी इसका पानी थोड़ा बहने देते हैं संसार में, अपने संसार के कार्यों में। अंग्रेजी में बोले, लेट द डिविनिटी एंटर एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ। परमात्मा की पुकार को, परमात्मा की याद को मैं अपने जीवन के हर कार्य में प्रवेश करा दूं। तो पूरा जीवन जो मेरा है, जो दुनियावी जीवन भी है, वो भी स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएगा। और मजा ये है मनोज जी के, पूरा जीवन आध्यात्मिक ही है, ये संसार पूरा आध्यात्मिक ही है। स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिट यानी ऊर्जा, ये पूरा जगत ऊर्जा का जगत है। इसमें हमने कुछ अपने सपने गढ़े हुए हैं, अपनी थॉट्स के माध्यम से हमने कुछ कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं। यहाँ पे ये मेरा परिवार एक कॉन्सेप्ट, ये मेरा व्यापार एक कॉन्सेप्ट, ये मेरा आश्रम, ये मेरा मंदिर, ये सब हमने खंडित किया हुआ। तो बहने दो इस ऊर्जा को, इस आध्यात्म की, इस आनंद की, इस जागृति की ऊर्जा को अपने जीवन के हर क्षेत्र में बहने दो। तो आपके रिश्तों में भी ये बात आने लगे, आपके मुख से जब आप अपने प्रियजनों से बात करो, कुछ सत्संग की खुशबू आने लगे, आपके वचनों में सत्संग की खुशबू आने लगे, आपके व्यापार में परमात्मा की प्रेजेंस आपको फील होने लगे। हर काम मैं सेवा के माध्यम से करने लगे, ये प्रैक्टिस है, ये ट्रेनिंग है, धीरे धीरे करोगे होने लगेगी। कि ऑफिस में या व्यापार में कुछ काम है, काम किया, ऑफरिंग इट टू द डिवाइन। किसी से कोई व्यापार की बातचीत की, ऑफरिंग इट टू द डिवाइन। हर मैं अपने कृत्य के बाद उसको ऑफर कर देता हूँ डिवाइन को। छोटा एग्जाम्पल, कि मेरे पास एक पानी का कप पड़ा है,
मैं किसमें से एक सिप पानी पीता हूं। वाह परमात्मा धन्यवाद, कितना मीठा पानी, कंठ को एकदम उसने तर कर दिया। क्या पानी, क्या आशीर्वाद है परमात्मा का। ये मैंने अभी डिविनिटी को इस पानी में और इस पानी के कृत्य में उतार दिया। इसी डिविनिटी को आश्रम और ऑफिस में क्या अंतर है, इसको ऐसे देखते हैं। आप कभी हमारे आश्रम आएंगे तो आप हैरान होंगे, 10-10 घंटे एकदम तो एक्टिव काम होता है वहां पे। लोग जितना अपने ऑफिस में काम नहीं करते थे, साधक उतना आश्रम के अंदर काम करते हैं। फर्क क्या है और क्यों इतना आनंद आ रहा है उस काम से? क्योंकि ऑफिस के काम से तो हम जान छुड़ाना चाहते थे कि कब मुक्ति मिले, कब छुट्टी और निकले यहां से। और आश्रम में तो सभी साधक बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि रात ही ना हो, बस चलता रहे, और रात को भी हम यही सब करते रहे। क्या अंतर है उस कार्य में और इस कार्य में? क्या अंतर है? एक ही अंतर है। कंप्यूटर पे अभी भी मेल लिख रहे हैं, वहां भी मेल लिखते थे, अंतर क्या हुआ? अंतर हुआ कि अब हमने सभी कार्यों को डिविनाइज्ड कर दिया, स्पिरिचुअलाइज्ड कर दिया, आध्यात्मिक बना दिया, एक आध्यात्म को उतार लिया जीवन के हर कृत्य में। अब यही साधक दुकान भी चला सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं, ऑफिस भी जा सकते हैं, कुछ किसी भी क्षेत्र में काम कर सकते हैं, क्योंकि इनको अब ये तरीका समझ में आ गया, ये ट्रेनिंग हो गई कि कैसे आध्यात्म को पूरे जीवन में प्रवेश करवाया जाए। तो मनोज जी यही करना है आप, मेक योर होल लाइफ डिविनाइज्ड। ये जो डब्बे बनाए हैं इनको एकदम बिखेर दो, काट दो इन डब्बों को। ये जीवन एक है, हाँ, इसको आप खंड खंड में मत देखो, अखंड है ये जीवन। जैसे सांस चलती है ना आपकी, अखंड चलती है, देखा कभी आपने? गई रुकी बाहर आई, रुकी गई रुकी बाहर आई रुकी, ये पैटर्न है आपकी श्वास का, अखंड चल रही है। ये जीवन भी इसी तरह मनोज जी अखंड है। यहाँ कोई व्यापार, आश्रम, संन्यास, आध्यात्म, परिवार, ये अलग अलग खंड नहीं है। यहाँ सिर्फ प्रकृति का एक खेल चल रहा है, परमात्मा का एक आनंद बह रहा है यहाँ पे। खंडों में मत देखो। तो अब आप देखोगे कि एक सत्संग से दूसरे सत्संग के बीच में भी सत्संग ही होगा। तो इस तरह से जीवन को जीना शुरू करो, और मदद मिलती है ऐसे। अगर आप कभी किसी आश्रम में जाके कुछ दिन बिताओ, कभी किसी गुरु के सानिध्य में जाके कुछ दिन बिताओ, कभी किसी संघ के साथ जाके कुछ दिन बिताओ, क्योंकि ट्रेनिंग होती है, क्योंकि वो लोग आपको दिखेंगे, वो स्पेसेस आपको दिखेंगे जहां पे खंडहीन काम चलता है, पूरा जीवन जहां खंडहीन है, एक एक प्रवाह की तरह चल रहा है। तो आपको सीखने को मिलेगा, आपको जानने, या आप ये बात आपके अनुभव में आ जाएगी। इसका प्रयास करो, कभी थोड़ा टाइम निकाल के जीवन से किसी आश्रम, किसी गुरु, किसी संघ के सानिध्य में रहो, चाहे थोड़े दिन, चाहे महीने में 2 दिन, 3 दिन, तो देखोगे ये आपके अनुभव में उतरने लगेगा। तो नियम पहला, जीवन को खंडों में ना बांटे। दूसरा, आध्यात्म ही है पूरा जीवन। तीसरा, इस आध्यात्म में जो पूरे जीवन का आधार है, इसको जीवन के हर सो कॉल्ड जो भी हमने खंड बनाया उसके अंदर इंजेक्ट कर दो, व्यापार में, परिवार में, संसार में, सभी जगह इस चेतना को थोड़ा सा इंजेक्ट कर दो, फिर इसका आनंद देखो। आशा करता हूँ मनोज जी आपको ये बात थोड़ी सही लगी होगी, इसको जीवन में उतारी और इसका फिर उसका उसका आनंद दें। जी स्वाति जी, लुकिंग एट द टाइम, आई थिंक आज यहीं रुकते हैं। जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि सभी मित्र अपना स्क्रीन, अपना कैमरा खोलें, और कैमरा खोल के 1 मिनट अपनी आंखों को बंद कीजिए। सभी मित्र 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए। एक गहरी सांस भीतर खींचिए, बाहर जाने में। एक और गहरी सांस भीतर लें,
एक और गहरी सांस लेते, छोड़ दे। इस मौन को अनुभव कीजिए। सत्संग के माध्यम से, मेरी आवाज के माध्यम से, ये जो सत्संग की ऊर्जा बनी है, इसको पूरा अपने भीतर उतर जाने दीजिए। इस ऊर्जा को सेटल हो जाने दीजिए अपने भीतर। धन्यवाद भीतर एक गहन धन्यवाद के भाव को जन्म दीजिए। धन्यवाद इस सृष्टि का जिसने आपको जन्म दिया। धन्यवाद इस जीवन का जो एक अवसर की तरह आपको मिला है। धन्यवाद आपके माता पिता का, आपके पूर्वजों का, जिनकी चेतना से आपके भीतर आध्यात्म के कुछ बीज डले। धन्यवाद अपने शरीर और मन का जो प्रेरित कर रहा है आपको जीवन के सत्य और आनंद की तरफ, इस आध्यात्मिक यात्रा की तरफ। धन्यवाद सभी गुरुजनों का जिन्होंने बहुत सूत्र आपको दिए हैं जीवन। और इस धन्यवाद के भाव के साथ एक सुंदर मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाते हुए हम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे।